लहराए, सर पे माँ के चुनर लहराए। लहराए सर पे माँ के चुनर लहराए। विशाल है सिंह सवारी माँ की, बड़ी ही विशाल है सिंह सवारी माँ की, बड़ी ही विशाल है। लाल लाल चोले में रूप कमाल है, सिंह सवारी माँ की बड़ी ही विशाल है, बड़ी ही विशाल है। माँ के रूप को देख के भक्तों, माँ के रूप को देख के भक्तों, देव सभी हर साए। लहर लहर लहराए सर पे माँ के चुनर लहराए। नजरिया चंदा सितारो जड़ी मैया की चुनरिया, नजर उतारो सब लागे ना नजरिया। देख चुनर की लाली भगतों, देख चुनर की लाली भगतों, सूरज भी शर्माए। लहर लहर लहराए सर पे माँ के चुनर लहराए। मैया जी के आंचल में सृष्टि समाई है, रोमी ने भी मैया जी की महिमा गाई है। धरती का हर प्राणी देखो, धरती का हर प्राणी देखो, जय जयकार लगाए। लहर लहर लहराए सर पे माँ के चुनर लहराए। नवरात्रों में माँ जगदम्बे, नवरात्रों में माँ जगदम्बे, जब धरती पे आए। लहर लहर लहराए सर पे माँ के चुनर लहराए।
माँ संग प्रीत लगा ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसा ली हो जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। जब माँ संग प्रीत लगा ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। दिया है माया पीछे हाय हाय करना, दुखों के अंधेरों से भी छोड़ दिया है डरना, हो छोड़ दिया है माया पीछे हाय हाय करना, दुखों के अंधेरों से भी छोड़ दिया है डरना। मैया की जोत जमन में जला ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसा ली जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। जब माँ संग प्रीत लगा ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। जहाँ मैया भेजे हम वहीं चले जाते हैं, हम वहीं चले जाते हैं और मस्ती में फिर झूम झूम के माँ के गुण गाते हैं, माँ के गुण गाते हैं। ओ जहाँ जहाँ मैया भेजे हम वहीं चले जाते हैं और मस्ती में झूम झूम के माँ के गुण गाते हैं, यही बात है दिल में बिठा ली हम पागल ही अच्छे। हो जब दुनिया ही अलग बसा ली जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। जब माँ संग प्रीत लगा ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। रखे माँ जिस हाल में भी हम शुक्र मनाते हैं, हम शुक्र मनाते हैं। इतना है काफी मैया के दास कहते हैं, हम दास कहते हैं।
रखे माँ जिस हाल में भी हम शुक्र मनाते हैं। इतना है काफी मैया के दास कहते हैं। पहचान ये अपनी बना ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसाली, जब दुनिया ही अलग बसाली हम पागल ही अच्छे। जब माँ संग प्रीत लगा ली हम पागल ही अच्छे। जब दुनिया ही अलग बसा ली हम पागल ही अच्छे। जो तवा लिए पाऊं।
इस बार के नवरातों में माँ सुन ले मेरी अर्जे, इस बार के नवरातों में माँ सुन ले मेरी अर्जे। करता है विनती कुंदन आगे माँ तेरी मर्जे, करता है विनती कुंदन आगे माँ तेरी मर्जे। अगले नवरातों में माँ मैं परिवार के संग में
गलमाला डाले माँ काली के खेल निराले, हाथ
जा
लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। बद्रीनाथ ये भक्त तुम्हारे झंडे वाली लाल तुम्हारे, बद्रीनाथ ये भक्त तुम्हारे झंडे वाली लाल तुम्हारे, झंडे वाली लाल तुम्हारे। बोलो माँ के जय जयकारे, तूने किया कमाल मैया जी, तेरे मंदिर में है झंडे झूलन लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन चढ़ाया। अकबर ने माँ को आजमाया, ध्यानु ने था शीश चढ़ाया, ध्यानु ने था शीश चढ़ाया। तूने माँ वो कर दिखलाया, मुस्काया तेरा लाल मैया जी, तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। तेरी जय जयकार मैया जी, वैष्णों का अवतार मैया जी, तेरी जय जयकार मैया जी, वैष्णों का अवतार मैया जी, वैष्णों का अवतार मैया जी। दिल्ली में है वास तुम्हारा, तूने किया कमाल मैया जी, तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। मैया जी तेरे मंदिर में झंडे झूलन लाल। एक भक्त माँ के दरबार में अपनी अर्जी लेकर के जाता है, बड़े विनम्र भाव से मैया से प्रार्थना कर रहा है। सच्चिया जोता वाली माता, हम शरण तिहारी आए हैं। हे दुर्गे माँ स्वीकार करो, हम लाल चुनरिया लाए हैं। सच्चिया जोता वाली माता,
हाथों में मेहंदी लाल है माँ, प्यारा तेरा सिंगार है माँ। तेरे हाथों में मेहंदी लाल है माँ, प्यारा तेरा सिंगार है माँ। तुम ऊंचे मंदिरों वाली हो, तुम ऊंचे मंदिरों वाली हो, हम दर्शन करने आए हैं। सचिया जो तावाली माता, हम शरण तिहारी आए हैं। सचिया जो तावाली माता, भक्त तो बड़े सरल हृदय के होते हैं, वह मैया का बखान ही कर रहा है, गुणगान कर रहा है। तेरा जग में डंका बाज रहा, पीला शेर द्वार पे गाज रहा। तेरे भवनों में 64 घड़ियां, तेरे भवनों में 64 घड़ियां, सदा गूंजे माँ जयकारे हैं। सचिया जो तावाली माता, कहीं दुर्गा कहीं पे काली हो। अष्टभुजाओं वाली हो, कहीं दुर्गा कहीं पे काली हो। ऊंचे पर्वत पे झंडे माँ, ऊंचे पर्वत पे झंडे माँ, तेरे लहर लहर लहराए हैं। सचिया जो तावाली माता, हम शरण तिहारी आए हैं। सचिया जो तावाली माता, तेरी भक्ति से सब कुछ पाता। प्रेम करे तुमसे माता, तेरी भक्ति से सब कुछ पाता। गिरी माँ जैसा ना और कोई, गिरी माँ जैसा ना और कोई, कई डूबते पार उतारे हैं। मेरी माँ जैसा ना और कोई, कई डूबते पार उतारे हैं। सचिया जो तावाली माता,
हम शरण तिहारी आए हैं। सचिया जो तावानी माता, हम शरण तिहारी आए हैं। हे दुर्गे माँ स्वीकार करो, हम लाल चुनरिया लाए हैं। सचिया जोता वाली माता। प्रेम से बोलिए शेरा वाली माँ जगदम्बा की जय। शेरा वाली अम्बे जय, जोता वाली अम्बे जय। शेरा वाली अम्बे जय, जोता वाली अम्बे जय। शेरा वाली अम्बे जय, जोता वाली अम्बे जनों। आइए आपको मां के नौ स्वरूपों से परिचय कराता हूं। आदि भवानी मां जगदम्बा शेरावाली सृष्टि के संचालन और भक्तों के कल्याण के लिए जब स्वयं को नौ रूपों में साकार करती हैं, तब वे नव दुर्गा कहलाती हैं। प्रथम स्वरूप मां का शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। नौ दिनों के प्रथम दिन में इनकी स्थापना होती है, पूजन होता है, मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेकर शिव जी को पति रूप में अंगीकार किया। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जिन्होंने ब्रह्म तत्व को स्वयं में धारण करके परम तत्व प्राप्त करने का संसार को संदेश दिया। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है, जिन्होंने मन के स्वामी चंद्रमा को धारण कर रखा है और संसार को अपने मन पर नियंत्रण रखने का संदेश देती है। प्रेमी जनों,
चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, जिन्होंने समस्त ब्रह्मांड को अपने पेट में एक अंडे की भांति धारण कर रखा है। पांचवें दिन भगवान कार्तिकेय की माता स्कंद माता का पूजन किया जाता है, जो माता समान रूप से हर जीव का पालन करने वाली है। छठवें दिन माँ जगदम्बा कात्यायनी की पूजा होती है, जो 18 भुजा धारण करके समस्त सृष्टि के जीवों का पालन और संरक्षण करती है। प्रेमीजनों, सातवां दिन माता कालरात्रि को समर्पित है, जिनका स्वरूप बड़ा ही भयानक है, जो असुरों, राक्षसों, दुष्टों, बुराइयों का विनाश करने के लिए रूप धारण करती है और हर प्रकार के भय से, आतंक से समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। आठवां रूप महागौरी माता का है, जो परम सात्विकता का संदेश देकर जीवों को शास्त्रों के अनुसार चलने का संदेश देती है। नौवें दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, जो समस्त शक्तियों का मूलाधार है, जो हर प्रकार के जप तप पूजा पाठ आदि का फल प्रदान करने वाली है। भक्तजनों, प्रस्तुत है उन्हीं अथाह अपार गुण यश महिमा वाली माँ जगदम्बा की कथा। इसे सच्चे प्रेम से, पूरी भक्ति से और समर्पित श्रद्धा भाव से श्रवण करें और माँ जगदम्बा की कृपा से अक्षय यश वैभव प्राप्त करें। जय शेरावाली अम्बे, जय ज्योता वाली अम्बे, जय शेरा वाली अम्बे, जय ज्योता वाली अम्बे, जय शेरा वाली अम्बे, जय ज्योता वाली अम्बे, जनों। जगदम्बा शेरावाली सारे संसार का मूल कारण है। जलचर, थलचर, नभचर,
जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब इन्हीं माँ जगदम्बा से उत्पन्न हुआ है। इन्हीं के द्वारा सबका पालन पोषण हो रहा है और प्रलय काल आने पर सब इन्हीं माँ जगदम्बा के संकेत मात्र से इन्हीं में समा जाता है। और फिर जब ये जगदम्बा सृष्टि रचाने की लीला करती हैं तो पुनः सारा संसार प्रकट हो जाता है। सृष्टि के बनने, स्थित रहने और लय हो जाने की ये लीला अनंत काल से चली आ रही है। प्रेमी जनों, इसी क्रम में एक बार दानवों के अत्याचार से सारी सृष्टि हाहाकार कर उठी। तब असुरों से परास्त हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु भगवान से मिलकर राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति पाने के उपाय पर विचार किया। भक्तजनों, सृष्टि के समस्त प्रधान देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु महेश के शरीर से एक तेज निकला और आकाश में स्थित होकर एक नारी के रूप में परिणत हो गया। यह तेज वही परम तत्व है जिसे हम त्रिपुर सुंदरी आदि भवानी जगदम्बा दुर्गा के नाम से जानते हैं। यह महातेज अपने तेज से अनेका अनेक तेज पुंज प्रकट करके सृष्टि का सारा संचालन उन्हें सौंप देता है और स्वयं अव्यक्त रहकर सब कुछ देखता और संभालता रहता है। भक्तजनों, धर्म धरा और सृष्टि पर जब किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न होता है तब यह महातेज भांति भांति के आकार प्रकार धारण करके सृष्टि की रक्षा करता है। अत्याचार और अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करता है। प्रेमी जनों, इसी प्रकार जब दैत्यों के आतंक ने देवों, साधु संतों और मानवता को आतंकित किया तो वो महातेज सृष्टि के प्रधान प्रधान देवताओं के शरीरों से निकलकर एकत्रित हुआ और माँ जगदम्बा दुर्गा के रूप में साकार हुआ। इस अनंत तेज ने नारी का स्वरूप धारण करके स्वयं को अनेका अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया और देवताओं को अभय दान देकर असुरों के विनाश की लीला प्रारंभ कर दी। पर्वतराज हिमालय द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए अनंत बलशाली शेर पर सवार होकर माँ जगदम्बा ने असुरों का विनाश प्रारंभ किया। भक्तजनों, महिषासुर नामक महादैत्य सभी असुरों और राक्षसों का प्रधान नायक हुआ। उसके आतंक से तीनों लोक त्रस्त हो गए। माँ जगदम्बा ने खेल ही खेल में उसके प्रधान प्रधान सेनापतियों और योद्धाओं को युद्ध में नष्ट कर दिया और अंततः जब महिषासुर युद्ध के लिए उपस्थित हुआ तो माता ने लीला विस्तार के उद्देश्य से महिषासुर के साथ एक भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में उस राक्षस ने अनेका अनेक रूप धारण किए। कभी दैत्य बनकर माता से युद्ध करता, कभी हाथी बनकर माता से युद्ध करने लगता और कभी भैंसे का रूप धरकर सारी सृष्टि को विचलित करता हुआ माता से युद्ध करने लगता। माता ने उसकी माया को समझकर भी
उसे बहुत समय दिया कि वो अपना संपूर्ण शक्ति प्रदर्शन कर ले, तब उसका वध करे माँ। और अंततः जब वह महादैत्य भैंसे के रूप में माँ जगदम्बा से युद्ध कर रहा था, तब माता ने उस पर अपने शस्त्र से प्रहार किया, किंतु उस प्रलयंकारी प्रहार से भी बचकर वह महिष का रूप त्याग कर दैत्य रूप में महिष के मुख से निकलने ही वाला था कि माँ जगदम्बा ने अपने त्रिशूल से उसका वक्षस्थल विदीर्ण कर डाला और संपूर्ण सृष्टि को अपने भय से आतंकित करने वाला वह महादैत्य नष्ट हो गया। भक्तजनों, माता ने लीला करते करते ही सृष्टि के संतुलन और धार्मिक विधान को नष्ट भ्रष्ट करने वाले चंड मुंड नामक राक्षसों का वध किया। रक्त बीज नामक महाअसुर का वध करके माता ने सृष्टि को आतंक से मुक्त किया और शुंभ निशुंभ नामक महादैत्यों को भी मार डाला। चामुंडा, महागौरी और अंबिका नाम से विख्यात होकर माँ जगदम्बा देवों, संतों और अपने भक्तों को सदा निर्भय रहने का आशीर्वाद देकर अपने साकार रूप से तो अंतर्धान हो गईं, परंतु संपूर्ण सृष्टि का एकमात्र आधार वही तो हैं। अतः वे तत्व रूप से कण कण में, जन जन में और हर भक्त के मन में सदा के लिए विराजमान हो गईं। प्रेमी जनों, सदा सर्वदा सर्वत्र विराजमान वे माँ जगदम्बा शेरावाली हम सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें, हम सबका सदा कल्याण करें और उनकी कृपा से हम सभी भक्तजन अक्षय सुख यश वैभव अर्जित करें। माँ जगदम्बा के चरणों में यही प्रार्थना है। प्रेमी जनों, माता की इस लीला के बाद समस्त संसार ने, सारी सृष्टि की देवी देवताओं ने मिलकर के माता की वंदना की, स्तुति की। भक्तों की माता, दुष्टों की घाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। भक्तों की माता, दुष्टों की घाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। भक्तों की माता, दुष्टों की घाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। यश जो गाता सब सुख वो पाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। यश जो गाता सब सुख वो पाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। प्रेम से शीश तुमको झुकाते हैं जो, जो भी चाहे वो बिन मांगे पाते हैं वो। प्रेम से शीश तुमको झुकाते हैं जो, जो भी चाहे वो बिन मांगे पाते हैं वो। जो भी चाहे वो बिन मांगे पाते हैं वो, पाते हैं वो, पा जाते हैं वो। हर जीव से माँ बच्चे का नाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। भक्तों की माता, दुष्टों की घाता, माँ शेरावाली जय हो तुम्हारी। भक्तजनों,
माता जगदम्बा सृष्टि की हर रचना में विराजमान हैं। कहीं वो माता महालक्ष्मी कही जाती हैं, कहीं महासरस्वती और कहीं महाकाली। महासरस्वती के रूप में सृष्टि के सृजन और ज्ञान वर्धन का कार्य संपादित करती हैं, महालक्ष्मी के रूप में सृष्टि के पालन पोषण और संवर्धन का कार्य संपादित करती हैं, और महाकाली के रूप में समस्त माया को समेट कर प्रलय के आने का कार्य संपादित करती हैं। त्रिपुर सुंदरी का यही महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नामधारी त्रिदेवी स्वरूप ही सृष्टि के संचालक त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करता है और उन्हें सरस्वती लक्ष्मी उमा नामक शक्तियों से युक्त करके संपूर्ण सृष्टि का विधान करता है। प्रेमीजनों, हम आप ये सारा संसार माँ जगदम्बा शेरावाली से ही उत्पन्न हुआ है, उन्हीं की कृपा से संचालित हो रहा है और अंत में उन्हीं माँ जगदम्बा में सब कुछ समा जाने वाला है। आदि में भी माँ शेरावाली ही थी, मध्य में भी माँ शेरावाली ही हैं और अंत में भी माँ शेरावाली ही रहेंगी। एक बार प्रेम से बोलिए माँ जगदम्बा शेरावाली की जय। शेरावाली अम्बे जय, ज्योतावाली अम्बे जय, 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 शेरावाली अम्बे जय, शेरावाली अम्बे जय, ज्योतावाली 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 ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जय ज्योतावाली अम्बे जयकारा